हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास इलेवेंथ का फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट से आगे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, हमने मॉडल्स एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस इन द मॉडल्स एम्पलीट्यूड फॉर्म, और हमें इनको मॉडल्स एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है जेड इज इक्वल टू हमें -16 अपॉन 1 प्लस आयटा रूट थ्री। तो सबसे पहले हम इसको ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में लिखेंगे, इसके लिए हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करते हैं हम स्टूडेंट्स, रैशनलाइज तो जेड इज इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस आयटा रूट थ्री। रैशनलाइज कैसे होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस आयटा रूट थ्री अपॉन 1 माइनस आयटा रूट थ्री। तो अब हम लोग जेड इज इक्वल टू -16 इंटू आयटा माइनस आयटा 1 माइनस आयटा रूट थ्री अपॉन, नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला रहेगा ए स्केयर 1 स्केयर माइनस बी स्केयर आयटा रूट थ्री का स्केयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जेड बनेगा -16 इंटू 1 माइनस आयटा रूट थ्री अपॉन 1 का स्केयर 1 माइनस आयटा का स्केयर और रूट थ्री का स्केयर सिंपल 3 आयटा स्केयर। तो यहां पे आया स्टूडेंट्स हमारे पास -16 इंटू 1 माइनस आयटा रूट थ्री अपॉन 1 माइनस 3 इंटू आयटा स्केयर की वैल्यू -1। तो -1 जब हम रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 4 आ गया। तो z इज इक्वल टू ये 4 इस पे कैंसिल हो जाएगा 16 ऊपर, तो -4 1 माइनस आयटा रूट थ्री। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग आगे क्या करेंगे, z इज इक्वल टू -4 और -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 4 रूट थ्री आयोटा। अब हमने इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म लिखनी है, मींस पोलर फॉर्म लिखनी है। तो इसकी पोलर फॉर्म कैसे अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, हम लेट -4 प्लस 4 रूट थ्री आयटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड -4 प्लस 4 रूट थ्री आयटा। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना, हमने कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास -4 इज इक्वल टू आर कोस थीटा यानी आर कोस थीटा इज इक्वल टू -4 और आर साइन थीटा यानी आयटा वाले से आयटा वाला कंपेयर करेंगे तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 रूट थ्री। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड 2/1 डिवाइड 2/1 या तो 2/1 करें या सबसे पहले हम डिवाइड करने से पहले क्या करते हैं स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 1 और 2 का स्केयर करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका स्केयर हो जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा और इसका स्केयर हो जाएगा आर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। देखिए हमने इनका स्केयर करना और ऐड करना, तो इसके स्केयर में इसका स्केयर ऐड हो जाएगा तो -4 का स्केयर 16 और इसका 4 रूट थ्री का स्केयर 16 रूट थ्री का स्केयर सिंपल 3 तो 48 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये आ गया आर स्केयर कॉमन अंदर हमारे पास आ गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा और यहाँ पे 48 और 16 64 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आर स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास ये कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 बन गया तो 64, तो आर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 64 का स्केयर रूट, प्लस माइनस में आएगा लेकिन मॉडुलस है, आर का मतलब क्या है मॉडुलस, तो मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आर हमारे पास आ जाएगा 64 का स्केयर रूट, प्लस माइनस क्यों रिजेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारे पास मॉडुलस आ गया 8। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालें तो यहां पे हम क्या तो 2/1 कर दें या 1/2 कर दें एज यू विश,
तो हम यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2 बाय 1, यानी 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। अब 2 क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आर साइन थीटा 4√3 अपॉन आर कोस थीटा, याद इसके बटे ये आ जाएगा तो इसके डिवाइड में ये आ जाएगा। तो हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा आ गया, और यहां पे 4√3 अपॉन -4 आ गया। तो स्टूडेंट आर से आर कैंसिल, यहां पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पे -√3 आया, तो टेंजेंट थीटा -√3 यानी टेंजेंट थीटा √3, देखिए कितने पे है, टेंजेंट थीटा √3 है हमारे पास टेन 60 पे, 60 को पाई बाय 3 बोलते हैं स्टूडेंट्स। और हमें पता है स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर -4 √3 था, यानी ए की वैल्यू -4 है और बी की वैल्यू है 4√3, तो यानी -4, 4√3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट्स, आप क्वाड्रेंट देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वाई का, और यानी जहां पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है वाई क्या है पॉजिटिव, यानी हमारे पास ये वाला जो है हमारे पास रियल एक्सिस है और ये है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, यानी जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये देखिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आयटा वाला इमेजिनरी पार्ट है ये, तो रियल एक्सिस ये है इमेजिनरी एक्सिस, तो ये कहाँ पे पड़ेगा स्टूडेंट्स, यानी सिंपल से हम ये भी कह सकते हैं ये एक्स वाला पार्ट ये वाई वाला, तो जहां पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट है यानी -4, 4√3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए π-θ करेंगे आप लोग, यानी π-θ, और थर्ड क्वाड्रेंट θ-π करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास हमें कुछ नहीं करना होता, तो इट मींस हमारे पास यहाँ पे θ-π यानी π-θ करेंगे, यानी थीटा क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी θ-π करेंगे, यानी आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी π-θ है सेकंड क्वाड्रेंट, तो π-π/3, थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है π/3, तो π-π/3, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 2π/3, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ गया, मॉडुलस आ गया, तो ये मॉडुलस है और ये आर्ग्यूमेंट है, तो पोलर फॉर्म क्या आ गई, सो पोलर फॉर्म क्या आ गई, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, पोलर फॉर्म कहें, या और इसका नाम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कितनी आ गई स्टूडेंट्स, क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आ गई आर कोस थीटा, यानी आर की वैल्यू है हमारे पास 8, कोस थीटा, थीटा कितना है 2π/3, प्लस आइटा साइन थीटा, थीटा कितना है 2π/3, तो ये आ गई स्टूडेंट हमारे पास पोलर फॉर्म। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है देखिए, फिफ्थ पार्ट में आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं, आप देख सकते हो यह है फिफ्थ पार्ट, i1 + 2i / 1 - i का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास जो डेड है, हमारे पास क्या दे रखा है 1 + 2i / 1 - i का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सोल्व करें 1 + 2i, तो इसको सोल्व करेंगे 1 - a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab - 2i, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा z = 1 + 2i / 1 - यहां पे 1 i² की वैल्यू -1 और ये माइनस का 2i, तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास z = 1 + 2i / 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये 1 + 2i, तो आप देखेंगे इससे ये कैंसिल हो गया, तो z = हमारे पास 1 बच गया। अब यहां पे हमारे पास रियल पार्ट तो 1 है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सो लेट हम इसको पोलर फॉर्म लिख लेते हैं इसकी, let 1 = यानी पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज r cos theta + i sin theta हमने इसकी पोलर फॉर्म एज्यूम कर ली, तो यहां पे 1 = r cos theta अंदर मल्टीप्लाई करेंगे + i r sin theta, तो स्टूडेंट्स यहां पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट
कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट को। जब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, आर कोस थीटा इज इक्वल टू है हमारे पास 1, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आर साइन थीटा है हमारे पास 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्केरिंग 1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गई। तो स्केरिंग एंड एडिंग, स्केरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को स्केयर करो और ऐड करो। जब हम स्केयर और ऐड करेंगे तो यहां पे आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, और यहां पे आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, और यहां पे स्टूडेंट 1 का स्केयर 1 प्लस 0 का स्केयर 0। तो यहां पे आर स्केयर कॉमन अंदर बच गया कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और यहां पे बन गया 1। तो आर स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया, और आर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। प्लस माइनस में 1 का स्केयर रूट आएगा, माइनस तो हमारे पास मॉडुलस कभी होता नहीं है, तो आर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब क्या करें स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड 2 बाय 1, यानी 2 को 1 से डिवाइड करें। अब 2 क्या है स्टूडेंट्स, या 1 को 2 से या 2 को 1 से, 2 है हमारे पास आर साइन थीटा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे अपॉन आर कोस थीटा, और यहां पे 0 अपॉन 1। तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां पे स्टूडेंट्स आ गया 10 थीटा 0 अपॉन 1 0, यानी टेंजेंट थीटा हमारे पास आया 0 अपॉन 1 0। अब टेंजेंट थीटा 0 कहां पे होता है स्टूडेंट्स, 10 थीटा 0 0 पे होता है, यानी टेंजेंट 0 पे होता है स्टूडेंट 0, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0 आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 था, यानी आयटा वाला पार्ट 0 था, यानी 1 प्लस 0 आयटा था ये, तो यानी 1 और 0, यानी रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो हमें पता है वी नो 1, 0 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जो थीटा है वो एज इट इज ले लेना है। तो थीटा हमारे पास कितना आया 0, तो आर्ग्यूमेंट कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी जो थीटा है वही आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, यानी 0। अब हमारे पास पोलर फॉर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास आर कोस थीटा, आर की वैल्यू है 1, यानी कोस थीटा प्लस पोलर फॉर्म ऑफ किसकी 1 1 है ना, ये हमारे पास जेड इज इक्वल टू 1 है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है हमारे पास, इज आर कोस थीटा, आर की वैल्यू 1 कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 0 है स्टूडेंट, साइन 0। तो यानी ये हमारे पास क्या है इसकी पोलर फॉर्म, यानी ये पोलर फॉर्म आ गई। मॉडुलस हमारे पास आया था स्टूडेंट्स, मॉडुलस हमारे पास आया था 1, और आर्ग्यूमेंट कितना आया था, आर्ग्यूमेंट आया था हमारे पास 0। स्टूडेंट्स आप इसको इस वे से भी कर सकते, जैसे मैंने यहाँ डिवाइड 2 बाय 1 किया था, तो आप डायरेक्ट अल्टरनेट और इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आर कोस थीटा हमारे पास कितना है 1 है, और आर साइन थीटा कितना है 0 है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 1 आई है यहां से देखिए आप, तो यहां ऐसे भी कर सकते हो 1 cos θ = 1 और 1 sin θ = 0। अब cos θ 1 और sin θ 0, तो cos θ 1 कितने पे होता है स्टूडेंट्स, cos θ 1 होता है cos 0 पे, और sin θ 0 कितने पे होता है sin 0 पे, sin θ 0 कितने होता है sin 0 पे। तो यानी जहां पे दोनों पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव और sin भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, थीटा हमारे पास कितना आया 0, तो यहां पे भी थीटा क्या आ जाएगा 0, यानी थीटा क्या है हमारे पास, जहां पे दोनों पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हमारे पास 0 ही रहेगा। और अगेन हमारे पास यानी जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या रहा, आर्ग्यूमेंट रहा हमारे पास 0। तो हम इस वे से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इस वे से करते हैं, या डिवाइड 2 बाय 1 करके करना चाहते हो तो डिवाइड 2 बाय 1 करके कर सकते हो आप लोग। अब स्टूडेंट्स इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इनको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है हमारे पास सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जेड है हमारे पास -1 प्लस आयोटा, तो इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं, लेट यानी पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो ये इसकी पोलर फॉर्म हमने ज्यूम कर ली, तो आर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। अब कंपेयर करें, कंपेयर किसको करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी आर कोस थीटा यानी रियल पार्ट, यहां पे आर कोस थीटा है और यहां पे है -1,
और यहाँ पे आर साइन थीटा है इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इसके आगे वन है तो वन, तो अगेन ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो क्या करेंगे डिवाइड टू बाय वन करें या वन बाय टू, डिवाइड टू बाय वन। इस डिवाइड करने से पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्केरिंग एंड एडिंग वन एंड टू कर लेते हैं, स्केरिंग एंड एडिंग वन एंड टू। आप डिवाइड भी कर सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्केरिंग एंड एडिंग वन बाय एंड टू, तो पहले स्केर और ऐड कर दिया वन और टू को, चाहे आप डिवाइड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आर स्केयर कोस स्केयर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आर स्केयर साइंस स्केयर थीटा आ जाएगा। देखिए जब हम इन दोनों को स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे तो इसके स्केयर में ऐड हो जाएगा और इसके स्केयर में ऐड हो जाएगा, यानी माइनस वन के स्केयर में क्या ऐड हो जाएगा, वन का स्केयर। तो यहाँ पे आर स्केयर कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोस स्केयर थीटा प्लस साइंस स्केयर थीटा, और यहाँ पे वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर टू, वन का स्केयर वन प्लस वन टू आ गया, तो आर स्केयर इज इक्वल टू टू और आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास रूट टू। तो ये मॉडुलस आ गया स्टूडेंट्स, मॉडुलस आ गया हमारे पास रूट टू। अब इसके बाद हम क्या करें, डिवाइड टू बाय वन या वन बाय टू, डिवाइड टू बाय वन, दो को एक से डिवाइड करें, तो दो क्या है स्टूडेंट्स आर साइन थीटा और ये क्या है आर कोस थीटा, और इज इक्वल टू वन बाय माइनस वन, तो आर से आर के टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस वन आया। अब टेन थीटा माइनस वन, सबसे पहले देखें टेन थीटा वन कहाँ पे है, टेंजेंट 45 पे पाई बाय फोर। अब देखेंगे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट क्या थे, कोऑर्डिनेट था यानी रियल पार्ट, तो हमारे पास ए की वैल्यू वन थी और इमेजिनरी पार्ट वन था, यानी वन यानी माइनस वन था, रियल पार्ट यहाँ पे देखिए माइनस वन और इमेजिनरी पार्ट वन है, तो माइनस वन कोमा वन, यानी हम देखेंगे सिंस माइनस वन कोमा वन है हमारे पास कोऑर्डिनेट, रियल पार्ट माइनस वन है और इमेजिनरी वन है, तो लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, माइनस वन कोमा वन सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई माइनस थीटा करते हैं, पाई माइनस थीटा, अब थीटा हमारे पास पाई बाय फोर है यहाँ पे, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस थीटा, थीटा कितना पाई बाय फोर, तो पाई माइनस पाई बाय फोर ये आया थ्री पाई बाय फोर। तो पोलर फॉर्म क्या आई स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म आई हमारे पास पोलर फॉर्म आर कोस थीटा, आर कोस थीटा आर की वैल्यू आई है हमारे पास रूट टू कोस थीटा, थीटा आया थ्री पाई बाय फोर प्लस आईटा साइन थीटा, साइन थ्री पाई बाय फोर। और स्टूडेंट्स यहां से थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूँ, कई बार आप लोग सोच रहे हो कि डिवाइड करके नहीं करना, तो अगर डिवाइड करके नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आर की वैल्यू रूट टू आई है तो आर की वैल्यू रूट टू यहाँ पे पुट करिए, तो रूट टू कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, और एक बार यहाँ पे आ जाएगा रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे कोस थीटा माइनस वन बाय टू और साइन थीटा वन बाय टू। अब देखिए स्टूडेंट्स वन बाय रूट टू, यहाँ पे भी वन बाय रूट टू, तो कोस थीटा माइनस वन बाय रूट टू होता है कोस 45 पे, और इसी तरह से साइन थीटा वन बाय रूट टू होता है साइन 45 पे पाई बाय फोर पे। अब देखिए जहां पे कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा, तो हम थीटा लिखेंगे पाई माइनस, अब ये थीटा हमारे पास यहाँ पे पाई बाय फोर है, यहाँ भी पाई बाय फोर है, तो जहां पे कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव वो क्वाड्रेंट देखना है, वो सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, सेकंड सेकंड में पाई माइनस थीटा, थीटा पाई बाय फोर पाई माइनस पाई बाय फोर, तो थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर। तो आप इस वे से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस वे से किया करें, बहुत सिंपल वे है ये। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड का हम सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, आप स्टेटमेंट देख सकते हो, वो आयटा माइनस वन कोस पाई बाय फोर पाई बाय थ्री माइनस आयटा साइन पाई बाय थ्री। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड का सेकंड पार्ट, जेड हमें गिवन है आयटा माइनस वन अपॉन कोस पाई बाय थ्री प्लस आयटा साइन पाई बाय थ्री। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सोल्व करो, इसको ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में लिखते हैं, आयटा माइनस वन कोस पाई बाय थ्री, कोस आठ की वैल्यू वन बाय टू माइनस साइन साठ की वैल्यू प्लस आयटा साइन साठ की वैल्यू हमारे पास रूट थ्री बाय टू,
ये रूट थ्री बाय टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, टू डिवाइड में है तो टू एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, या आ जाएगा जेड इजिकल टू आइटा माइनस वन अपॉन टू एलसीएम हो गया, तो वन प्लस रूट थ्री आइटा। जो टू एलसीएम आया है स्टूडेंट्स वो ऊपर चला जाएगा, यानी जो ये टू एलसीएम आया है दोनों का ऊपर चला जाएगा, तो जेड आएगा हमारे पास यानी टू इंटू आइटा माइनस वन अपॉन वन प्लस रूट थ्री आइटा। अब स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग, तो रैशनलाइज करें क्योंकि डिनोमिनेटर में आइटा है, तो जेड इजिकल टू इंटू या इस तरह से कर सकते हैं टू, इसको यहां मल्टीप्लाई करें माइनस टू टू आइटा, टू आइटा माइनस टू अपोन वन प्लस रूट थ्री आइटा है स्टूडेंट्स। इसको रैशनलाइज करेंगे वन माइनस रूट थ्री आइटा अपोन वन माइनस रूट थ्री आइटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे जेड इजिकल टू टू आइटा इंटू वन, टू आइटा, टू आइटा को यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू रूट थ्री आइटा स्क्वेयर, माइनस टू को यहां मल्टीप्लाई करें माइनस टू, और माइनस टू को यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस टू रूट थ्री आयोटा। आप देख सकते टू आइटा को यहां मल्टीप्लाई की, टू आइटा को यहां माइनस टू रूट थ्री आइटा, माइनस टू को यहां माइनस टू, और माइनस टू को यहां प्लस टू रूट थ्री आइटा, और डिवाइड में ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास वन स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूट थ्री आइटा स्क्वेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे माइनस टू बिना आयटा वाले कौन से हैं, माइनस टू, और आयटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का टू रूट थ्री आयटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन रखी तो प्लस माइनस माइनस प्लस टू रूट थ्री हो जाएगा, और ये बच गया आयटा वाले, यहां से आयटा वालों में से आयटा हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया टू प्लस टू रूट थ्री, यहां पे आया माइनस टू प्लस टू रूट थ्री, और ये आया टू प्लस टू रूट थ्री आयटा वाले, इसमें आयटा वाले बन गए। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वन का स्केयर वन प्लस रूट थ्री का स्केयर सिंपल थ्री, और आयटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ और थ्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे से बाहर टू सबसे कॉमन है, तो जेड इज इक्वल टू टू हमने सबसे कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा वन प्लस रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट थ्री आयोटा। देखिए माइनस टू कॉमन ले लिया तो माइनस वन प्लस रूट थ्री, और इसमें से भी टू कॉमन ले लिया तो ये बच गया हमारे पास अंदर, और नीचे वन प्लस थ्री फोर, फोर का टू टू जा फोर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास आया जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री बाय टू प्लस वन प्लस रूट थ्री बाय टू आयोटा। अब हमने इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है स्टूडेंट्स, तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले हम लेट जेड इज इक्वल टू, यानी ये जो है हमारे पास माइनस वन प्लस रूट थ्री बाय टू प्लस वन प्लस रूट थ्री बाय टू आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हमारे पास ये जो रियल पार्ट है ये इसके इक्वल आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा ना माइनस वन प्लस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू कोस थीटा, ये वन हो गई, और वन प्लस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट है ये हो गया टू, ये वन और ये टू। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यानी माइनस वन प्लस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वन है ना, तो ये आर साइन थीटा, क्या आ जाएगा आर कोस थीटा, और ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ये आर है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्केयरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, स्केयरिंग एंड एडिंग वन एंड टू, एडिंग और स्केयर करो स्टूडेंट्स दोनों का, वन और टू का, वन एंड टू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा माइनस वन प्लस रूट थ्री बाय टू का स्केयर प्लस वन प्लस रूट थ्री बाय टू का स्केयर, इन दोनों का स्केयर इसमें ऐड होगा, और आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो स्टूडेंट स्केयर खोलेंगे यहाँ पे ए माइनस बी का स्केयर खुल जाएगा, यानी ए का स्केयर यानी रूट थ्री का स्केयर ये प्लस बी का स्केयर माइनस वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर, यानी ये ए हो गया और ये माइनस बी यानी वन का स्केयर
और माइनस टू ए बी टू रूट थ्री और डिवाइड में टू का स्केयर फोर, और इसी तरह ये ए का स्केयर रूट थ्री का स्केयर, ये बी प्लस बी का स्केयर वन का स्केयर प्लस टू ए बी टू रूट थ्री अपॉन रूट टू का स्केयर फोर फोर। और यहाँ पे आर स्केयर कॉमन स्टूडेंट्स, कोस स्केयर थीटा प्लस साइंस स्केयर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से फोर एलसीएम हो गया सबका, तो यहाँ पे रूट थ्री का स्केयर सिंपल थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, और यहाँ पे सिंपल थ्री प्लस वन माइनस प्लस टू रूट थ्री, और यहाँ पे आर स्केयर बच गया, इससे ये कैंसिल। तो चार और चार आठ बटे चार, यानी आर स्केयर आ गया हमारे पास एट डिवाइड बाई फोर, फोर टू जा एट, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स रूट टू। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट टू। अब क्या करें स्टूडेंट्स, मॉडुलस आ गया हमारे पास, मॉडुलस आ गया हमारे पास रूट टू, और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड टू बाय वन, टू बाय वन जब हम डिवाइड करेंगे, दो को एक से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आर साइन थीटा है दो, और एक है आर कोस थीटा, और इधर है ये हमारे पास वन प्लस रूट थ्री बाय टू, और यहाँ पे है वन माइनस ना रूट थ्री, यानी माइनस वन प्लस रूट थ्री बाय टू, दो से दो कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे साइन बटे कोस, यहाँ पे बन गया ये टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे ये बन जाएगा स्टूडेंट्स वन प्लस रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री। तो इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रूट थ्री प्लस वन है और ये रूट थ्री माइनस वन है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, टेन अगर हम 75 डिग्री की वैल्यू निकालें तो टेन 75 होता है टेन 45 प्लस 30, तो टेन 75 को हम 45 प्लस 30, तो इसका फार्मूला है टेन 45 प्लस थीटा का, तो होता है वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन 30 अपॉन वन माइनस टेंजेंट 30, तो वन प्लस टेन 30 वैल्यू वन प्लस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन माइनस वन बाय रूट थ्री, तो यानी ये आ गया हमारे पास रूट थ्री एलसीएम हो गया, तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री एलसीएम हो गया, तो रूट थ्री माइनस वन, तो इससे ये कैंसिल, तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं टेन 45 की, ये 75 की वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू स्टूडेंट, टेन 75, ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट 75 डिग्री के इक्वल है, तो 75 को स्टूडेंट्स अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 75 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × 5 = 75 × 15 = 30, यानी 5π/12, टेंजेंट 5π/12 की ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया 5π/12। तो इट मीन्स पोलर फॉर्म क्या आई स्टूडेंट्स हमारे पास, पोलर फॉर्म आई हमारे पास आर कोस थीटा, आर की वैल्यू रूट टू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 5π/12 प्लस आयटा साइन थीटा साइन 5π/12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बस आपको इसमें ये वैल्यू जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे तो मैं इसको दूसरे वे से करवा सकता हूँ, लेकिन दूसरा वे थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। तो आपको यहाँ पे ये थोड़ी वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना, क्योंकि टेन 75 डिग्री की वैल्यू हमारे पास रूट थ्री प्लस वन, तो यहाँ पे थीटा आपको थोड़ा सा ये इस स्टेप को लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो ये डायरेक्ट हम इसको, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता, इसको अलग से करता और इसको अलग से करता, इसका आर कोस थीटा और इसका अलग से करता, तो भी हो जाता, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही स्टेप लिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाली है कि आप थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो थीटा आप ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, डायरेक्ट ये थीटा टेन उस साइड आके टेन इनवर्स हो गया, तो आप यहाँ पे ये भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन प्रेफर मैं आपको ये कहूंगा कि आप डायरेक्ट ये आप याद कर सकते हो। अगर किसी को ये नहीं निकालनी आए तो आप डायरेक्ट टेन को उस साइड में टेन इनवर्स कर सकते हो। और आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट समथिंग होती है, और वन पॉइंट समथिंग में से अगर कुछ वन को माइनस करें तो पॉजिटिव बचेगा, तो यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मीन्स मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे सर ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये वन पॉइंट समथिंग होता है रूट थ्री वैल्यू, वन पॉइंट समथिंग और माइनस का वन, तो पॉजिटिव बचेगा, तो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो वैसे भी 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट ये रहेगा 5π/12। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, इनको पोलर फॉर्म में लिखना है,
हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखते हैं, फर्स्ट साइन 60 प्लस आयटा कोस 60 डिग्री। तो थर्ड का फर्स्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड का फर्स्ट जेड है हमारे पास साइन 60 डिग्री प्लस आयटा कोस 60 डिग्री। तो हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं जो पोलर फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म कैसी होती है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म कैसी होती है हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, इस तरह की होती है स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म। तो यानी कोस पहले आता है, साइन बाद में आता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो साइन 60 है, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या आएगी, साइन 60 है स्टूडेंट्स, साइन 60 डिग्री प्लस आयटा कोस 60 डिग्री। यानी हमने इसको किस में चेंज करना है, इसको हमने करना है स्टूडेंट्स कोस में, और इसको किस में चेंज करना है, हमने साइन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 60 है, तो इसको मैं साइन 90 माइनस 30 बोल सकता हूँ, 90 माइनस 30, और प्लस आयटा कोस 60 को 90 माइनस 30 बोल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया साइन 90 माइनस 30, ये आ गया हमारे पास 90 से चेंज हो गया किस में, कोस में, और कोस थीटा कोस 30, और ये आ गया आयटा साइन 30। अब स्टूडेंट 30 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय सिक्स, तो कोस π/6 प्लस आयटा साइन π/6। तो दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो ऐसी होती है ना स्टूडेंट्स। तो यानी कोस थीटा यानी 1 × r × cos θ प्लस आयटा साइन थीटा, तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थर्ड का सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, साइन 120 और माइनस आयटा कोस 120। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा लिखना है हमने, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, और यहाँ पे प्लस भी होना चाहिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस यानी साइन हम इसको 90 प्लस 30 बोल सकते हैं, और यहाँ पे माइनस आयटा कोस 90 प्लस 30 बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स साइन 90 से किस में चेंज होगा, कोस में, कोस यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट, पोलर फॉर्म है स्टूडेंट्स ये इसकी पोलर फॉर्म, ये हमारे पास कोस 90 कोस 30 हो गया, और सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव है साइन, माइनस आयटा कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कितना 30 डिग्री, और सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, आर की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, तो अगेन ये क्या आया स्टूडेंट्स, आर यानी 1 × cos θ, थीटा ये कितना है स्टूडेंट्स 30 π/6 प्लस आयटा साइन π/6, तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 5/2 cos 300 प्लस आयटा साइन 30। यहाँ पे साइन 30 है और यहाँ पे 300 है, तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5 π/2 पोलर फॉर्म लिखने के लिए हम इसको सोल्व करते हैं, कोस 300 को कोस 360 - 60 बोल सकते हैं, और यहाँ पे आयटा साइन 30 को हम स्टूडेंट साइन 30 को 1/2 बोल सकते हैं, 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है हमारे पास, ये क्या आया, तो ये आया 5/2 cos 360 - 60, यानी कोस 360 से चेंज नहीं होगा, कोस का कोस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, कोस 60 रहेगा, कोस 360 माइनस थीटा कोस थीटा ओके, और प्लस आयटा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जेड इज इक्वल टू 5/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आयटा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से डायरेक्ट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वो आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, यानी आप इसको जैसे यहाँ पे अदर वे में बताता हूँ, अदर वे पहले तो मैं आसान वे बताता हूँ, अगर आप वैसे करते हो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के किए हैं, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 5/4 आ जाएगा, और 2 तो बाहर आ गया कॉमन, 1 प्लस आयटा, यानी हमारे पास इसको हम इस तरह 5/4 + 5/4 आयटा इज इक्वल टू ये आ गया आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा मान के भी कर सकते हैं आप लोग इसको,
अदरवाइज मैं सिंपल वे है कि इसको इस सम के लिए, सिर्फ इस सम के लिए आप क्या करें, जेड इज इक्वल टू 5/2। मैंने क्या किया, यहां से रूट टू कॉमन ले लिया। अगर मैं यहां से रूट टू कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो अंदर बच जाएगा 1/√2 प्लस आयटा बाय रूट टू। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास जेड इज इक्वल टू 5/√2। और यहाँ पे 1/√2 है कोस 45, कोस 45 को 5/4 प्लस आयटा, और ये भी 1/√2 है, इसको साइन पाई, साइन 45 कह सकते हैं, साइन पाई बाई फोर। ये देखिए स्टूडेंट, आर आर तो ये हो गया आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, वही फॉर्म बन गई ना। सो दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, ये वैसी फॉर्म बन गई ना, आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। चाहे तो आप कहें सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आप इस वे से कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स किए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।